हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन, व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। हमारे प्रैक्टिस में काफ़ी सारे लोग ऐसे आते हैं कि जिनको डिप्रेशन की बीमारी नहीं रहती है। मतलब जैसा हम बोलते कि उदासीनता है या सैडनेस है, डिप्रेशन है, वैसे बीमारी नहीं रहती। मेजर डिप्रेशन है वैसे नहीं रहती, मगर तभी भी वो डाउन रहते हैं और उनकी एनर्जी कम है, एनर्जी लेवल, उनको बदन दर्द हो रहा है, जहाँ वहाँ पीठ में दर्द, कमर में दर्द, सीने में दर्द, सर दर्द, ऐसा हो रहा है। उनको जैसा काम करने की इच्छा नहीं होती है और उनका मूड ऐसा सैड नहीं रहता, मतलब निराश है, दुखी है, ऐसा नहीं रहता इतना, मगर तभी भी वो एक लो लेवल का दुखी रहते हैं, मतलब थोड़ा सा सैडनेस रहता है। और यदि ये 2 साल तक चलता रहा, 2 साल तक, तो उसको बोलते हैं डिसथाइमिया, वो बीमारी का नाम है डिसथाइमिया। और ये 17-18 साल के ऊपर से लेके कोई भी उम्र तक कभी भी ये हो सकती है। और ये डिसथाइमिक मूड जो है, मतलब ठीक नहीं लगना, ऐसा निराश, थोड़ा सा ऐसा हताश निराश है, मगर उतना नहीं कि उसको हम डिप्रेशन कह सकते हैं। ये लोग काम काज करते हैं, घूमते फिरते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, बाहर से ऐसा लगता नहीं कि इनको डिप्रेशन है या निराशा की बीमारी है, मगर ऐसा लगता है अपने को कि नहीं, कुछ तो भी गड़बड़ है, ये थोड़ा डाउन है व्यक्ति। और 2 साल से वो चलते आ रहा है, चल रहा है, खींच रहा है, सर्वाइव कर रहा है अपना लाइफ। तो ये लोगों में थोड़ी नींद बराबर नहीं रहती, डिस्टर्ब नींद रहती है, थोड़ा चिड़चिड़ापन रहता है, मूड थोड़ा सा लो रहता है, ऐसा कोई उनको काम के प्रति बहुत उत्साह नहीं रहता, खुद होके वो काम की शुरुआत नहीं करेंगे, किसने बोला तो जबरदस्ती काम कर लेंगे। और एक रूटीन इसमें वो रहते हैं, उनको रोज का काम समझो दे दिया तो वो जैसा बैल जैसा वो घाने के पीछे घूमते रहता है, वैसा ये रोज का काम करेंगे। उनको कुछ नया काम करने बोला, कुछ तो भी नया करो, क्रिएट करो, तो वो कर नहीं पाएंगे। ये ज़्यादातर साइकेट्रिस्ट के पास में जाते नहीं, मनोविकार तज्ञ के पास में जाते नहीं ये लोग, ये जनरल प्रैक्टिशनर के पास में जाते हैं। और वो कुछ ना कुछ बदन की तकलीफ लेके जाते हैं, भूख नहीं है, या खाने की इच्छा होती नहीं है, या काम की इच्छा होती नहीं है, या धंधा बराबर चल नहीं रहा है, क्योंकि उत्साह नहीं है, जोश नहीं है, जुनून नहीं है धंधे में, तो धंधा चलता नहीं बराबर, फिर धंधा चला नहीं, पैसे की कमी, फिर वहाँ से फिर टेंशन दिमाग के ऊपर, और वहाँ से फिर ब्लड प्रेशर रहेगा या डायबिटीज होगा, वैसा भी हो जाता है। तो ये डिस्थाइमिया नाम की बीमारी है, इसको साइकेट्रिस्ट ने यदि ट्रीटमेंट दिया, उसमें साइकोथेरेपी करने की जरूरत है, मानसोपचार। उसमें लो डोजेस में हम एंटी डिप्रेशन देते हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ, तो उससे भी बहुत सारा फर्क पड़ता है। उसको ये सपोर्ट दिया और उसको एहसास कर दिया कि देखो भाई, तुमको ये प्रॉब्लम है, ये एक तरह की बीमारी है, ये 2 साल से आपको चल रही है, इसके ऊपर दवा लिया, साइकोथेरेपी कर लिया, है ना, एक तो REBT है, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है, या CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, मतलब ऐसी बिहेवियर थेरेपीज कर लिया, या उनको साइकोथेरेपी किया, मानसोपचार, तो उससे वो काफ़ी अच्छा हो सकते हैं, अपना जीवन जी सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे कि जिनको आपके आसपास बाजू में, मतलब लोग होंगे कि जिनको ये प्रॉब्लम है, मगर वो उनको ऐसा लगता है कि अपन बीमार है, मगर वो काम करते नहीं है, इसलिए एक्चुअली उनकी उत्पादन क्षमता, उत्पादकता कम होती है। उसमें नुकसान किसका है? नुकसान फैमिली का है, नुकसान अपने देश का है। तो ऐसे लोगों को आप प्रवृत्त कर सकते हैं कि भाई नहीं, आप कुछ ना कुछ इसके लिए इलाज कर लो, भले ही वो पागल नहीं है, भले ही वो डिप्रेस पूरी नहीं, पूरी तरह नहीं है, उनका यदि इलाज किया तो वो पूरे जोश के साथ में नॉर्मल होकर वो अपना धंधा पानी कर सकेंगे, अपना जीवन बिता सकेंगे। क्योंकि ये लोग ना पूरे नॉर्मल है, ना कोई पूरे बीमार है, तो इनका इलाज करते तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप ये वीडियो आपके आजू बाजू के लोगों को वायरल करो, शेयर करो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक के ऊपर लिंक भेजो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये देखेंगे तो अपना खुद का इलाज वो कर पाएंगे और वो तज्ञ डॉक्टर की तरफ से कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।